ये मायरा आ गई है। बस 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 बस। और जस्ट अभी मेरे घर पे कौन आया? जीरो डिग्री। सबका जिगरी जीरो डिग्री। हाँ, सबका जिगरी जीरो डिग्री, मतलब टैगलाइन बना रहा है ये भी। तो कहाँ चलना है अपन को? अभी चलेंगे जहाँ पे अपन लोग तेरे लिए हेलमेट देख के आए थे ना। हाँ, वहीं पे चलना है, क्योंकि अगर वहाँ पे पहले हमने लाइट देखी है ना। हाँ, तो शायद वो बाइक देख के और अच्छी लाइट बता देंगे। ओके। और मेरा ये प्लान है ना कि अपने को यहाँ पे लगवाना है पूरा ऐसे लाइट। मैं नहीं चाहता कि ये हेडलाइट के ऊपर कोई यहाँ पे लगे। नहीं, यहाँ पे नहीं, वो लगेगी तो यहीं पर लगेगी। एक वो कुछ लगता है, एक क्लिप लग के फिर यहाँ से यहाँ लगेगी तो बेटर फिर लगेगी। वो क्लिप भी हमको ऐसे लगवानी है कि ये जो कलर है ये कलर ब्लैक है शायद, है ना? हाँ, ये मैट फिनिश है। मैट फिनिश ये तो ये अच्छा, मतलब बहुत पैम्पर कर रहा है। पैम्पर करनी पड़ेगी, मतलब कि ऐसे रबर, या तो रबर लगवाऊंगा नीचे। हाँ, कुछ तो लगवाऊंगा जिससे कि वो जाएगा नहीं, कलर नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी एक बार कंफर्म करते हैं कौन सी लाइट लगेगी, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ ऐसा लाइट लगने की कोई जगह दिख नहीं रही है इसके अंदर। ऐसा यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख ही नहीं रहा है। चले चलो, तो पहले चलते हैं, मतलब क्या बोल रहे थे कि मार्केट चलते, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। बाकी आज बहुत मुश्किल से जिम गए थे पूरा। तो जूम करना इधर लेफ्ट, अगर जैसे जूम करना होता है तो DSLR के अंदर कैसा होता है कि यूँ होता है, मतलब उसमें लेंस को घुमाना पड़ता है, और इसके अंदर ऐसा है कि मैं जूम करने के लिए इसको पास ले आता हूँ। मतलब पूरा फील इधर राइट, मैं पूरा फील जो होता है ना मज़ा ऐसा, ये और इसको बोलते हैं ना नया बाजार। हाँ, ये नया बाजार है। तो अभी ऐसा है कि जस्ट तरुण और हम आए थे किसी शॉप पे, मतलब तरुण को उसके बाइक में इसके अंदर ईगल के अंदर वो लगवानी है लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि उसकी जो मेन लाइट है ना, जो हेड लैम्प है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए एक वो चल रहा है कि यहाँ पे लाइट लगाएंगे। और अभी जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ पे लगेगी कि यहाँ पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं लगाने सा, और यहाँ पर जो है ये इस पर तो कुछ लगेगा नहीं। वो बोल रहे हैं यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो एक बार कंफर्म करना है कि वो लगेगी का। सन आया तो थोड़ा लाइट का इशू होता है, क्योंकि मैं जब भी इधर से रिकॉर्ड करता हूँ GoPro से तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। और अभी पहले ये वाली लाइट देखिए कैसे क्या है, पर एक बार चलेगी तब पता पड़ेगी। इसको चला के बताओ ना। और अभी बिल्कुल तरुण अपनी एकदम इंजीनियरिंग, जितनी इसने पढ़ाई करी, जितना गोल्ड मेडल मिला है, ये उसके हिसाब से सारी ज्ञान गणित लगा रहे कि बोले कहाँ पे लाइट लगी कहाँ पे नहीं। बट ये फिजिकल एजुकेशन वाला स्टूडेंट है। फिजिकल एजुकेशन वाला स्टूडेंट जो होता है ना, वो ऐसी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता है। और ये इसको देखो, ये बिल्कुल मेरी बात सुन, 12th में तो मेरे PCM थी ना। हाँ, अभी चाहे फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह का इंजीनियर तो था। बट इंजीनियर नहीं था, अगर तूने इंजीनियरिंग करी होती तो मैं मानता। नहीं, नहीं है, मेरे को नहीं लगता काबिलियत पे मेरे को शक है। गोल्ड मेडल तो मिल गया, वो ठीक है, बस फिर भी दोस्त जितना कर लो ना, तो दोस्त मतलब हमारा नहीं। अगर तरुण ये ऐसा ये चिपका रखा है, ये क्या बोलते हैं, नहीं निकलेगा रे, ये देख मजबूती देख, तरुण ग्वाला ने माउंट किया है, ये सबका जिगरी जीरो डिग्री ने माउंट किया है, देख। वाह यार,
मतलब ये निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा भाई एमसी, बट ये गिरने से अभी तो बोल रहा हूँ तुझसे हेलमेट लेने की, अगर तू हेलमेट ले रहा है तो ऐसा हेलमेट ले जिससे डैमेज करेगा तो तेरे को दुख ना हो, क्योंकि एमसी ऐसी चीज है परमानेंटली लग जाएगी, एक बार लग गई तो लग गई, निकालेगा तो डैमेज होगा। ओके, और ये जस्ट हमारे पास एक ये डॉगी आ गया वाइट, नहीं नहीं मायरा मायरा है ना, मायरा आ गई है। बस 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 कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी लग रही है ये मायरा। मायरा इसके कान इतने तेज है, हम यार रात को बैडमिंटन खेलते हैं ओए, इसको हल्का सा अगर वहां से धीरे से बोल देना मायरा तो एकदम से देखा ही जाएगी, कान तेज है इसकी बहुत। चलो मायरा बाय। और अभी ऐसा है कि जैसे हम लेने गए थे बाइक के लिए लाइट, पर वो लाइट हमको मिली नहीं। सो हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे को पता है कि आज मतलब जो वेलकम होता है वो लेट हुआ है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग ये व्लॉग हो गया था, मैं यहाँ पे आके व्लॉग करूँ, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था व्लॉग करने का, तो इसलिए। और अभी जस्ट एक पीछे से एक रेड पोलो गई है, तो तरुण बोल रहा है MSK गया, MSK डुप्लीकेट, MSK डुप्लीकेट, और ये हमारा डुप्लीकेट MSK है, और ये बाइक भी है। कमेंट आती है, लोग लिखते नीचे डुप्लीकेट MSK, नहीं मैंने देखा है, मैंने वो कमेंट देखा है कि जो कमेंट आता है ना इसके, इस पर भी मैंने कमेंट सेक्शन देखा है, तो इसके पास भी कमेंट आता है कि भाई डुप्लीकेट MSK। और अभी मेरा ऐसा था कि मेरे को भी हेलमेट लेना है बाइक के लिए, क्योंकि राइड पे जाते तो हेलमेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो हेलमेट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं एक बार ट्राई कर रहा था। तरुण में से बोल रहा है कि तू मेरा हेलमेट ट्राई कर एक बार पहन के, तो पहले उसको हेलमेट को ट्राई करते हैं कि कैसा क्या होता है फिटिंग, और उस पर मेरे को GoPro भी माउंट करना होगा इसलिए। और अभी ऐसा है कि मेरे को भी हेलमेट लेना है, तो मैं तरुण से पूछ रहा था कि कौन सा हेलमेट लेना है, क्योंकि होता क्या है कि हेलमेट मैंने अभी तक ऐसे यूज़ नहीं करा है, क्योंकि गाड़ी इतनी चलाती नहीं, नॉर्मल सिटी में चलाती है तो हेलमेट यूज़ नहीं करा, बट अब हेलमेट लेना है क्योंकि राइड पे जाएंगे तो दोनों को, पिलियन और जो राइडर है दोनों को हेलमेट ज़रूरी है, तो इसलिए मैं हेलमेट लेने की सोच रहा हूँ। तो तरुण से पूछा था कौन सा हेलमेट लेना है, तो ये मेरे को सजेस्ट करा है कि ये जो हेलमेट है स्टड्स का, तो ऐसा कुछ ये होंडा का है, तो ये ट्राई कर, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे को GoPro मतलब माउंट करना है तो वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए मैं एक बार देख रहा था, तो ये मेरे को बोल रहा है पहले एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखो मैं फ़ोन से मोटर व्लॉग कर रहा हूँ, और मैंने फ़ोन से मोटर व्लॉग करने में इतना एक्सपीरियंस ले लिया है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगा वाला हेलमेट हो, ये हेलमेट स्टॉक वाला हेलमेट है जो कि होंडा के साथ में आता है, मैंने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया है, वो कैसे कर दिया ये भी जानता है, और चेकआउट करना है तो फिर कर लेना है ना ठीक। और जैसे कि क्या होता है कि बस आपको ये चाहिए कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि नहीं मेरे को मोटर व्लॉग करना है, कैसे भी करके करना है बस, तो आप किसी भी हेलमेट में सेटअप कर लोगे। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है वो ये है कि एक तो विंड नॉइस को जितना ज़्यादा बचा सकते हो विंड नॉइस को बचाओ, क्योंकि जब माइक लगाओगे आप कितना ही अच्छा बोल रहे हो, कितना ही सुरीला गा रहे हो हेलमेट के अंदर, लेकिन अगर विंड आ रही है तो फिर कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक लोग सोचते हैं कि हेलमेट अच्छा होना चाहिए और GoPro होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, फोन से भी मोटर ब्लॉक कर सकते हैं जैसे ये कर रहा है। मैंने देखा है ना कि 25,000 तक के हेलमेट में विंड नॉइस आता है। अब जैसे मेरा जो माइक सेटअप है वो होता है इधर, यहाँ पे मेरे राइट चेन के नीचे रखता हूँ मैं माइक, जैसे इसका फेस है, इसका फेस कुछ अलग है, इसकी फिटिंग हेलमेट के अंदर कुछ और आएगी, तो इसका माइक क्या पता यहाँ पे इसका अच्छा साउंड आए या फिर यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि माइक को पूरा यहाँ होटो से लगा के रखते हैं, तो वो उनका फेस कट के हिसाब से उनके फेस वैल्यू के फेस वैल्यू कहाँ से आएगी, फेस वैल्यू नहीं, वो फेस उनका जो फेस है ना, तो फेस कट उनके हेलमेट पे कैसा फिट हो रहा है उसके हिसाब से साउंड। तो बस वही है, एक बार मेरे को भी कंफर्म करना है, थोड़ा बहुत ये रहता है कि कैसा हेलमेट ले कैसा नहीं ले, तो इस चक्कर में मैं एक बार थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसके पास है हेलमेट तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा कुछ गाइड पहन के देख ले तू, तेरे को पहन के देखेगा ना तेरे को आइडिया हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और जैसे क्या है ना कि मैंने भी जब माइक लगाया था ना पहले मैंने उसको पूरा बाहर रखा, तो फिर 20 के बाद ही विंडो ही सारा था, फिर मैंने उसको पूरा टेपिंग एपिंग करके लपेट के पूरा ऐसा कर दिया, एक सेटअप की तरह बना दिया, उसकी सेंसिटिविटी कम कर दी जो अपन लपेटते हैं ना वो चश्मे का वगैरह वगैरह कवर वो जो बाकी जब इसका सेटअप बनाएंगे तो पूरी वीडियो उसकी व्लॉग में देख लेना, वो पूरा मैं इसे बता दूंगा कैसे क्या करना है, इसका पूरा व्लॉगिंग सेटअप बना के देंगे अपन, मतलब लड़का खर्चा करेगा अभी, मेरे को अच्छा व्लॉगिंग सेटअप चाहिए, बहुत पैसा है। तो मैं पहले इसको ट्राई करता हूँ, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ ये हेलमेट ट्राई करता हूँ कैसी क्या फिटिंग आती है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा है कि ये जो हेलमेट है ना इसमें तरुण ने यहाँ पे माउंट कर रखा है, मेरे को वो बाबा बाद में करेंगे माउंट ऐसा सब जो भी है करना है, बट पहले मैं इसको पहन के देखता हूँ फिटिंग का पता पड़ेगा। वायर थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आगे, काम चला लेना क्योंकि मैं चला लेता हूँ, ठीक है। वो क्या है ना मैं पप्पियाँ देता रहता हूँ वायर के, वायर मेरा ऐसा है कि 20 फीट वायर मैंने लंबा लेवलियर माइक लगा रखा है हेलमेट के अंदर,
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर ऑन प्रशांत समीर। और अभी ऐसा है कि मैं ये जो हेलमेट लगा के ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा तो कैसा क्या रहेगा, और क्योंकि मेरे को भी एक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाना है तो उसका भी एक ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है, तो वो मेरे को सब तरुण बता देगा। बट मेरे को एक बार ट्राई करना है कि हेलमेट और जो लेना है वो कैसा रहे, क्योंकि मेरे फेस के हिसाब से मेरा फेस का शायद से मेरे को एम साइज़ आएगा, और एम साइज़ तो आएगा बट वो फिर भी एक बार वो साइज़ नाप के जो भी होता है वो करना पड़ेगा। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर चैनल पर नया है तो आपको पता है चैनल पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो पिछला व्लॉग भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।